कि आप भैया की सिर के आसपास की हाइट की वजह से संजीव भैया सामने खड़े हुए हैं। अगर मैं पास जाता हूँ तो देखिए आप हाइट करीब करीब 4.5-5 फीट के ऊपर जा रही है। मेरी हाइट 6 फीट है और ये 5 फीट की बेस माने आप। तो भैया का कितनी दे रहे हैं? 10 दिन कच्ची है भैंस। और कीमत क्या कर रहे हो? देखिए कॉकरेज नस्ल में क्या शानदार बैल खड़े हुए हैं, और जो हम अभी तक YouTube पर देखते थे ये चीज आज ओरिजिनल में देखने को मिल रही है। समुद्र के किनारे बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं हम। अगर ये 8 से 10 रोज बाद देखेंगे तो करीब करीब वास्तव में निकाल सकती है। चोखा ही बहुत है ये भी। हाँ विशाल भाई 10 लीटर दूध दे देंगे। वो मेरी बोली है, देखिए 12 लीटर और 10 लीटर का बोलता। हाँ तो विशाल तो ये भैया की भैंस है। और क्या नाम है आपका? विशाल जडेजा। विशाल जडेजा, नवीन जडेजा से इधर। तो पहचानते हैं मुझे, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और व्हाट्सएप पर इनसे चैट चलती है। विशाल नाम है ना? विशाल भैया हमारे सब्सक्राइबर निकले हैं और भैंस देखिए वास्तव में विशाल भैंस है इनके पास, अच्छी क्वालिटी। विशाल भैया की भैंस विशाल ही होगी। संजय भैया इनके फार्म पर लेकर पहुंचे हैं। तो विशाल भैया कितना दूध दे देगी ये भैंस? 5-5 तोला का। अच्छा अच्छा अच्छा। जरूर आप पहुंचे गुजरात, जो हम पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। संजय भाई के पास पहुंचे थे हम, तो पूरी वीडियो में आप लोगों को करीब 15 से 20 भैंसों का लाइव सौदा देखने को मिलेगा। दीदी 58,000 मारी मानी ले जा। तो दोस्तों चलते रास्ते देखे आप 58,000 रुपए में हमने भैंस डन कर ली है, जो फोर्थ लैक्टेशन में ब्याएगी। 20 से 25 दिन की देर है और करीब मेरे हिसाब से 5 लीटर दूध दे देगी वो। अगली जगह पहुंचे हम जहां भैंस देखेंगे। तो दोस्तों ये भैंस मीडियम हाइट और मीडियम क्वालिटी की है, और ये भी गाबन है जिसको हम देख रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग वहाँ से हर बार कमेंट्स करते थे कि कटड़िया मिलती है क्या, तो दोस्तों इधर कटड़िया कोई देता नहीं है और ना बाखड़ी भैंस मिलती है। जो आप लोग बोल रहे थे उधर कोई बाखड़ी भी नहीं देता है और कटड़िया भी नहीं देता है। बहुत बढ़िया
साफ सुथरी भैंस है। अगर नीचे से देखे हम, कितना टाइम लगेगा बाबू जी? चार पांच दिन। अभी जो है एक लाख रुपए मांग, और बता रहे हैं कि पेलाट में 7-7 लीटर दूध है ना, तो वो वाली भैंस हमें जमी नहीं है, इस कारण से आगे पहुंचे हम, दूसरी भैंस कवर करने जा रहे हैं। और ये देखिए आप, चांदरी पांच कल्याणी, और तीन थन की है। एक ही अच्छा, एक खत्म है, एक थन खत्म है। चार पांच दिन की देर और करीब तीसरे से चौथे लैक्टेशन में ब्याने वाली लग रही है। क्यों संजय भैया? चौथा है ना, चौथा है। कितना दूध दे देगी संजय भैया? कम दूध में ज्यादा दे, कम पैसे में ज्यादा दे देगी। कितना दे दियो? क्यों संजय भैया, कितना दूध दे देगी? दूध 8-9 लीटर के देंगे। एक टाइम का 8 लीटर तो माने। कीमत क्या? रुको, 1,10,000। 1,10,000। अच्छी भैंस है, अगर पीछे वाला थन चालू होता तो भैंस रखती है कीमत करीब मान के चले 1,00,000 के आसपास। बहुत कोशिश करेंगे तो 80,000 की होगी। ज्यादा नहीं, सबकी वीडियो निकले तो एम भी फुल हो जाएंगी, 500 पेट देखेंगे। कौन सा पेट की भैंस है? चार पेट की। और कितने दिन की देर है? 20 दिन की देर है। 20 दिन की। दूध कितना निकाल सकती है? दूध 7-8 लीटर टाइम का। एक टाइम का 7-8 लीटर। और क्या कीमत कर रहे हैं? कौन कीमत भाई, कम है? 1,20,000। मतलब 1,20,000। बहुत ज्यादा है उसका माल है, उसका माल है, उसका नॉलेज नहीं रहता। आप अपने हिसाब से मांगो, 2-4 ग्राहक घूमते हैं मांगते हैं तो इसको आइडिया आ जाता है कि ये माल इतने का है। नरेंद्र भैया अभी आपने 70 की मांगी, इसने 70 की मांगी, इसको जम रही है तो आगे बात करें अपन। मित्रों, दो भैंस यहाँ हमने देखी थी जो दोनों कवर अच्छी नहीं लगी, सभी दोस्तों को पसंद नहीं आए, तो अब हम आगे दूसरी भैंस देखने चलते हैं। और अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो दूसरी जगह पहुँचते हैं। आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है दोस्तों, लेकिन हम इधर गुजरात घूम रहे हैं, फिर भी आप सभी को घर बैठे शुभकामनाएं दे रहे हैं, जो कि हमारा देश और बहुत बड़ा पर्व माना जाता है 15 अगस्त का। बीच रास्ते पे एक भैंस हमें जम गई है जो हम देख रहे हैं, जो ये भी पंच कल्याणी कच्ची है, 20 दिन की, 25 दिन की। 6 लीटर लगाएगी, 6-6 लीटर मतलब 12 लीटर दिन का। और क्या कीमत कर रहे हैं इसकी? 75 75 मांग है, अच्छी भैंस है। तो हमने 50,000 कीमत लगाई उस भैंस की, अगर होता हो तो देखो। हाँ बस वही, लेने देने की बात बोलो आप तो। 55 तक हो तो करो फाइनल। 55 शायद डील कंप्लीट हो गई है, और
58,000 रुपये में मैंने बोला है कि भैया 57 में देना हो तो दीजिए भाऊजी। हाँ हमारी मोड़ था 55 का जो लगती होनी नोट लगती तो 55 कहता था हूँ 58,000 तने करा भी जाओ 58 नहीं दे दीजिए 1,000 में कहीं नहीं कटे तो हमारी मान ले ले 1,000 अरे घर जाने में हो गया दावा जी 58,000 में हरिया दे दीजिए 58,000 मारी मानी ले जा तो दोस्तों चलते रास्ते देखे आप 58,000 रुपए में हमने भैंस डन कर ली है जो फोर्थ लैक्टेशन में ब्याएगी 20 से 25 दिन की देर है और करीब मेरे हिसाब से 5 लीटर दूध दे देगी वो। मेरी बात सुनो नंद भैया अभी चरने जा रही है शाम को 6 बजे आएंगे तभी अपन आ चलते तो दो भैंस का श्री गणेश हो गया है जो दोनों भैंस सिवनी वाले बाबूजी ने ले ली है और फिर आगे देखते हैं संजय भैया कहाँ ले जाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं हम। तो दिन भर का व्लॉग है दोस्तों, बड़ा व्लॉग बनेगा इस कारण से बारीकी से देखना आप लोगों को अगर पशुपालन में रुचि है। नेक्स्ट जगह विजिट कर रहे हैं हम, बढ़ते अंदर अंदर फार्म में। कौन सी संजय भैया? दुजात पाड़ी सेकेंड लैक्टेशन की पाड़ी देख रहे हैं आप और 15 दिन कच्ची अच्छी पाड़ी साफ सुथरी देख रहे आप। और संजय भैया दो गिर जाफरी भैंस दिखा रहे इस साइड जो टोपली गिर और इस साइड देखिए आप पच कल्याणी ये भी सेल के लिए संजय भैया सब सेल के लिए सभी 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 सेल के लिए हैं। कौन सी भैया ये कौन सा दूसरा बैंक 15 दिन की कच्ची है। और देखो आप बहुत बढ़िया सेकेंड लैक्टेशन की पाड़ी देख रहे हैं आप, अगर नीचे से देखिए बहुत साफ सुथरी। भैया खोलो इसको तो ओरिजिनल में दोस्तों आप लोगों को गुजरात की वीडियो दिखा रहे हैं जिससे आप लोगों को पता चलेगा। अगली भैंस देखिए आप, भैंस बहुत साफ सुथरी और गिर नस्ल बोलते हैं इसे। अगर पीछे से देखते हम तो बढ़िया करीब 10-12 रोज की कच्ची है ये। और संजय भैया कहाँ है? संजय भैया कितने दिन लगाएगी ये? 15 दिन ले लेंगी। अच्छा, और दूध कितना लगा देगी? दूध पहले पेट में 8 लीटर का रिकॉर्ड है। पहले पेट में संजय भैया 10 लीटर दूध दे देगी आराम से, 10 लीटर दे देगी और 15 दिन ले लेंगे। 15 दिन कच्ची। कौन सी नस्ल बोला जाए? गिर की पहचान रहती है, सर बड़ा रहता है और ये चौड़ा पट्टा रहता है सिंह का। सिंह का चौड़ा पट्टा ये वाला है ना। देखिए आप, सिर बहुत बड़ा है और गिर जो हम जाफरा गिर देख रहे हैं बहुत बढ़िया भैंस। देखिए आप आगे पीछे से चला के दिखाते हैं। तो दोस्तों जरूर आप पहुंचे गुजरात, जो हम पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। संजय भाई के पास पहुंचे थे हम, तो पूरी वीडियो में आप लोगों को करीब 15 से 20 भैंसों का लाइव सौदा देखने को मिलेगा। तो लेते हैं इसकी डिटेल। बहुत खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं आप गुजरात का, जो देखने लायक वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ये भैंस पसंद आ रही है तो इसकी डिटेल लेते हैं हम। बंदे वाह दिख रही है
देखो पाँव देख लो। हाँ हल्का है उसमें। कौन सा? वो वाला। खांडी खांडी का कितने मांग रहे हो? 90,000 मतलब मेरा आपका नहीं। अरे आपका ही लेंगे यार ये। संजय भैया 90 मांग रहे हैं उसका। 90 मांग रहे हो? आप अपनी बोली लगाओ। लगाएं हम तो हमारी बोली लगाते हैं तो भैया आपको पसंद है वो भी। क्या क्या कर रहे हो आप बताओ। तो दोस्तों ये खांडी वाली भैंस जम रही है तो इसकी डिटेल लेते हैं पहले। इसका आप क्वालिटी देख लें। देखिए आप पीछे से बढ़िया साफ सुथरी भैंस देख रहे हैं। चाल ढाल बढ़िया, सींग क्वालिटी और थर्ड लैक्टेशन लग रहा है मुझे। और सींग डैमेज है जो देखते हैं क्या सौदा बैठता है। 8,000 नीचे। हां 8,000 5,000 वो तो कटला नहीं है। तू तारी रीति के कटला नहीं भैंस है। 3,500 दे दे हाक के नहीं थी 100 रुपए वेस भी ने इतने तो ब्लैक के तो ये दो ने 20 तो हिंगरू डैमेज थे को नीमन मारे देवे। हां अगर एक दो नहीं दे दोहनी जैसे ये झकना भी पावर तो 8 लीटर दूध से टाणा नु बहन दोस्तों फाइनल सौदा हो चुका है इसका। संदेश भी आई है। बस खड़े रहो। 80,000 पूरा। और दूध कितना दे देगी? 8 किलो टाइम का। 8 बोल रहे पर तुम 7 पकड़ो। 7 पकड़े 6 तो पकड़े हम। नहीं 7 पक्का। एक मिनट। तो दोस्तों फाइनल इस जगह से हमने ये भैंस खरीद ली है जो देखे अब सींग में डैमेज है। ये सींग नहीं रहता ना, सींग रहता तो 1,05,000 की भैंस है। अगली भैंस कवर करते हैं। तो भैंस डन होने के बाद अरविंद भैया से 1,000 रुपए ये देखो आप सही के दादा को दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? विक्रम भाई। विक्रम भाई, विक्रम भाई को दिए है। तो दोस्तों यहाँ से एक भैंस पसंद कर ली। अब अगले गांव या अगले फार्म पर विजिट करेंगे हम। तो पूरी पूरी डिटेल दे रहे हैं गुजरात में हम क्या कर रहे हैं, आपको घर बैठे ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो नेक्स्ट भैंस के फार्म पर या गांव में कवर करते हैं। चलो ये कौन से में क्रास है भैया? मेहसाना क्रास। तो दोस्तों 10-20 किलोमीटर बाद में समुद्र है जो हम देखने जा रहे हैं और आगे उसके आसपास के गांव में भैंस भी है तो समुद्र भी देखने को मिलेगा आपको थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट गांव में नेक्स्ट फार्म पर विजिट कर रहे हैं हम। राम राम। देखो पांच पांच तोला का है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये वाली संजय भैया 12-13 दिन लेगी। तो दोस्तों ये भैंस आप देख रहे हैं ये करीब चौथा होगा मेरा, फोर्थ लैक्टेशन की जाफरा भैंस देख रहे हैं और शरीर बहुत बढ़िया है, आंचल में बहुत साफ सुथरी है आप नीचे से देखेंगे तो।
और करीब कोशिश है कि 6 लीटर दूध निकाल सकती है। और संजय भैया मांग देखो ना इसकी क्या है। आने कीमत दूंगी सीधी व्यवहारिक के जो पांच की है। वो तो 1.5 बोल रहे हैं। 1.5 कीमत लगा रहे हैं। अब जो भी फाइनल होता है आप लोगों को आगे दिखाएंगे। कौन कोई घटान तो होता कौन ले रहा 70 की नहीं है, ईमानदारी से बताएंगे। और 1.5 लाख की भी नहीं है। दोनों का व्यवहारिक होना चाहिए। तो आप बोल दो कि हाँ ये जमेगी तो हम कर देंगे उसमें। घरे 90,000 ની ઉતરે લો કરો તમે જો હારું થાય પૈસા ને હવે લાવે જો ને બીજું જુગાર માં રાઉન્ડ કે 92,000 ની નથી જાય તમારે ઘેર થી ક્યાં ઉસકા પૈસા ઉસકી જેબ મેં તમારી ભેંસ તમારી ઘર પે બંધી કોઈ જબરજસ્તી નહીં વ્યવહારિક કયો 92,000 મૂકી દે હાવ લીટો મારી દેજે અરે પૂરી કામ કે હું સેજ ગયા પણ ભાઈ ભી માગે એટલે 3 જણા એક વાત પણ માગતા હોય પણ માલ ક્યાં માલ વેચાય હું એમ નથી કે अभी यहाँ सवेरे से हमारा पूरा सौदा सा जहाँ हुआ है कम्प्लीट ही हुआ है, बिगड़ा नहीं है। मस्त चाहिए, મજા આવે દોસ્તો। યે ભેંસ હમને 85,000 રૂપિયે મે ખરીદ લીએ, દેખે આપ યે ફાઇનલ। ઓર યે ભેંસ કિસને રખી ભૈયા? पंडित जी ने रखी, आपने रखी ना? चलो हाँ, ये पंडित जी ने जो शिवपुरी से है, पंडित जी सिवनी से है। और ये तीसरी भैंस हो गई है ना आपकी? तीन भैंस आज हमने खरीद लिए 85,000 में। देखिए फोर्थ लेग स्टेशन में 6-6 लीटर दूध दे देगी। संदेह भी आधर आओ आप, 6-6 लीटर दूध दे देगी। अगर नीचे से हम एक बार फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि साफ सुथरी भैंस है। एक मिनट चेक करो, देखिए आप, बहुत बढ़िया साफ सुथरी। और टाइम भी है करीब 10-12 रोज। क्यों भैया? है ना, क्वालिटी बहुत अच्छी। क्वालिटी आगे से ना देखिए आप, पीछे से देखिए। छान क्वालिटी, ऑर्डर क्वालिटी बहुत अच्छी है। अड़े ऊपर ये संजय भैया चेक कर रहे हैं, देखिए आप, प्रेग्नेंट भैंस है। चालू चालू। हाँ गजब, ये तीसरा। बहुत बढ़िया, बहुत साफ सुथरी। दोस्तों डन हो गया, अब दूसरी भैंस कवर करते हैं हम, जो जो पसंद आ रही है। तो दोस्तों एक बड़ी भैंस आप देखिए सामने खड़ी है, जो टाइम का 10 लीटर दूध निकाल सकती है। और संजू भैया से डिटेल लेते हैं हम। तो संजू भैया क्या मालिक क्या मांग रहे इसके? वो तो 1.5 के ऊपर मांग रहे हैं। 1.5 लाख से ऊपर है ना? 1.20 लगाया है। 1.20 लगाए जो पंडित पंडित जी हैं खरीदने वाले, जो हमारे साथ पहुंचे हैं। यूट्यूब द्वारा हमारी सबकी दोस्ती हुई है और सिवनी से आए हैं। 1,20,000 रूपए इसकी कीमत लगा दी है। संजय भैया करवाओ सौदा। आया भैया, 1,20,000 दे दिए। आपके सौ की नोट दो। जावा दियो जावा दियो। अरे हारी मांगे, खोटी थोड़ी मांगे। तो आता तारे के वे उली तो दे दी। जालो अपन 2-3 हजार ओसा करे।
इसका सौदा कैंसल क्योंकि मांग बहुत ज्यादा है, करीब 1.5 के आसपास भैंस मिल रही है। तो एक और भैंस इनकी खड़ी है, वो अच्छी साफ सुथरी, देखिए आप बढ़िया, पीछे से अगर देखते हैं तो सेकेंड ब्यान में ब्याने वाली। और संजू भैया कितना टाइम लगी? 8 से 10 रोज। अच्छी है, कोशिश करते हैं अगर ये भैंस जमती है तो संजू भैया से बात करके डिस्कस करते हैं, इच्छा है लेने की पंडित जी की सिवनी वाले। अरे ये तारा पेट लो। अरे अरे हम तो पंडित आदमी यार, पूजा करने वाले, पूजा करवाना तो आनी थे, पूजा क्या दी भगवान ने मेल दियो तो यार भगवान ने सोच दियो अब भैंस की पूजा के। इसका लाइव सौदा चल रहा है जो बाबू जी 1,30,000 मांग कर रहे हैं, और हमने 80-85,000 से चालू किया है। अरे तू भी हाँ बोता तो बदल जो ले थी कहीं सोना नहीं पुत्री का नदी सोना क्यों ना, आपने इधर सोना ना तो ये काम हुए सीधा ले वाना कहीं दियो पैसे नहीं ले दे जा पैसे नहीं वे नहीं तुम्हारे बहन नदी पर तुम्हें शादी हो तो पासो मिले। हाँ आप इसे कितने दिन तक ची अलियो ने हूँ मजा दे दिया ना ठोको। हाँ बस आप नहीं बोलेंगे जाओ बाबू जी ठोक दो अरे ये गंदगी नहीं बात हो गई तारा बाप आवे तो तो चलो संजू भी आप रहने दो। तो दोस्तों अगले गांव में या अगले डेयरी फार्म पर विजिट कर रहे हैं, डेयरी फार्म नहीं है ये, किसानों के भैंस है जो इस तरह से रखते हैं। तो चलते हैं अंदर और यहां की जो भैंस की कीमत रेट जो भी होता है आप लोगों को दिखाते हैं। कल सेल हो गई है संजू भैया बता रहे हैं आपको, गुजरात से कीमत पता चल जाएगा। तो संजू भैया कितने में हुई ये? इंदौर मऊ के कस्टमर थे, उसको हमने कल 75,000 में दिलाई। 75,000 में? तो ये गुजरात की कीमत देखिए आप, जाफराबादी भैंस की देख लो, 2 दिन की जनी हुई, 75 क्वालिटी सब 75 आपकी है देखो पहचान। हाँ बता दिया है ना, बातें कर ली ना व्हाट्सएप पे कर ली, घुमाओ जा। तो ये भैया की भैंस है, और क्या नाम है आपका? विशाल जडेजा। विशाल जडेजा, रविंद्र जडेजा के इधर से हो ना? तो पहचानते हैं मुझे, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और व्हाट्सएप पर इनसे चैट चलती है। तो अरविंद जी अभी सेल के लिए कौन सी है आपके पास? दिखाओ, बाहर निकालो। विशाल नाम है ना? विशाल। विशाल भैया हमारे सब्सक्राइबर निकले हैं, और भैंस देखे वास्तव में विशाल भैंस है इनके पास, अच्छी क्वालिटी। विशाल भैया की भैंस विशाल ही होगी, और संजय भैया इनके फार्म पर लेकर पहुंचे हैं। तो विशाल भैया कितना दूध दे देगी ये भैंस का? 10 लीटर देगी। टाइम का 10 लीटर बोलने का है बस, ये क्या निकलने का है? निकालने का, निकालने का निकाला इसका पिछली बार। हाँ अगले दिन में 10 लीटर निकाला। तो अभी भी 10 ही देगी? नहीं ज्यादा देगी, पर 2 लीटर कम बोलना। क्या कीमत कर रहे हो? 1,30,000। 1,30,000 कीमत रखी है, जो हम बैठक पर जो होता है आप लोगों को आगे बताते हैं। 10 लीटर की भैंस है, 1,30,000 कीमत है। 25 दिन की कच्ची है। 25 दिन कच्ची है, देखते हैं भैया। 100 का नोट दो करो भैया, जो भी सौदा हो रहा है देखते हैं। संजू भैया लगाओ। अरे आप लगाओ, आप अपनी कीमत तो बताओ, हम तो तोल बट्टा करते हैं बीच में। बताओ तो 90,000 मतलब ना कम ना ज्यादा? नहीं। विशाल भाई करो यार, विशाल दे। नहीं नहीं होगा, अरे आदमी की कदर का। नहीं नहीं होगा, अरे बहुत, अरे सब्सक्राइबर से। अरे नहीं होगा सेठ, तुम्हारे यहाँ स्पेशल आएंगे, 10,000 खर्चा है मेरा। वो कोई दिक्कत नहीं, इसका एक साल दूध निकालो को भी भैंस फ्री हो जाएगी ये। ठीक है यार भैया, वहाँ जाने के बाद वो कुछ भी हो आपको तो नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं, तो आओ लास्ट कीमत ले लीजिए। तो लास्ट मंग लो, मंग ली हमने तो 90 की नहीं आई। अरे लास्ट कीमत 1,15,000 चलो 95 लगाओ छोड़ो बस। अब विशाल भाई पूरा पूरा नहीं 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 लाख रुपया पूरा पूरा नहीं नहीं एक रुपया होता है नहीं नहीं अरे जाओ आज लाख ना नहीं होगा आज आओ ना भाई ना नहीं होगा सेठ तो मगर ने हाथ का ध्यान रखना होगा। हाँ जाओ आज नहीं नहीं तो चला 1,11,000 रुपया लो
तो दोस्तों 1,05,000 में फाइनल पूरी पीछे से अगर ये 8 से 10 रोज बाद देखेंगे तो करीब करीब वास्तव में निकाल सकती है। चोखा ही बहुत आएगी। विशाल भाई 10 लीटर दूध दे देगी। वो मेरी बोली है, देखिए 12 लीटर और 10 लीटर का बोलता हूँ। हाँ तो विशाल भाई पूरी गारंटी ले रहे हैं, फिर भी हम मान के चले कि 8+ में रहेगी दूध में। ये एमपी में जाने के बाद थोड़ा दूध कम होता है। तो डन हो चुका है सौदा। आपको कैसा लगा सौदा हमारा, जो संजू भैया ने बहुत मेहनत करवा के हमें अलग अलग जगह। ईमानदार आदमी है, या ईमानदार आदमी हो गए, ये ईमानदार है। इसके जैसा इस जंगल में ईमानदार आदमी नहीं है कोई। तो कभी 100 रुपया किसी से लालच नहीं किया। अगर भैंस खरीदना है तो हमसे कांटेक्ट करें। अगली बार राखी के बाद फिर हम इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं। और राजस्थान की भी गाड़ी एक भैया है जो सीहोर आष्टा साइड से, उनके लिए भी बनाने जा रहे हैं हम राजस्थान। तो जिसे आपको जाफराबादी लेना है या राजस्थान की भैंस लेना है तो जरूर आप कॉन्टेक्ट करें। बने रहिए, पूरी वीडियो देखे दोस्तों। निवेदन है आपसे, को चेक कर रहे हैं उधर से सामने से। ये 3 थन चारों हो गए। और अब फाइनल हम आप लोगों को बताते हैं कि भैंस किसने रखी। हम सामने भैया एक बार फिर आपका नाम। राजेश चौधरी नाम है मेरा, सतलाना रहता हूँ। राजेश चौधरी सतलाना पाल्या हाथोद इंदौर के पास से हैं। और कितने में हुई है? 1,05,000। 1,05,000 में। तो कैसा लगा सौदा आपको, भैंस कैसी लगी? बढ़िया, एक नंबर, बहुत बेस्ट मामला, बढ़िया है। तो दोस्तों अगली भैंस फिर कवर करने जा रहे हैं। आप अंत तक वीडियो देखिए, उससे आपको गुजरात की पूरी डिटेल मिलने वाली है जाफराबादी भैंस की। ये 1,000 रूपए टोकन के रूप में विशाल भैया को दे रहे हैं हम, जो शाम को भैंस छोड़ेंगे यहाँ से। कोई बात नहीं, 1,04,000 रूपए। 1,04,000 रूपए, ठीक है भैया? ठीक है। चाय पानी कुछ नहीं, अभी पी क्या है यार? चाय या चा? यहाँ से अब अगली विजिट करते हैं हम। दोस्तों बहुत मजा आ रहा है गुजरात में घूमने का संजू भैया के साथ। और देखिए आप पीछे भी सभी दोस्त लोग बैठे हुए हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं संजू भैया, जो गांव-गांव लेकर घूम रहे हैं हमें। 5 हो गए होगी ना। देखिए कॉकरेज नस्ल में क्या शानदार बेल खड़े हुए हैं। और जो हम अभी तक यूट्यूब पर देखते थे, ये चीज आज ओरिजिनल में देखने को मिल रही है। समुद्र के किनारे बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं हम। अगले स्टॉप पर पहुंच चुके हम। अब इस फार्म पर जाएंगे हम, जहां पर देखते हैं कितनी भैंस खड़ी है और फार्म के अंदर का विजिट करते हैं। देखिए दोस्तों करीब यहां भी 5-7 भैंस खड़ी है, तो सिलेक्ट करते हैं हम भैंस को। हेलो, इस फार्म की भैंस एक नजर में हम आप लोगों को दिखा देते हैं। करीब 7-8 भैंस बंधी हुई है। देखिए ये भैंस जनेल है और देखिए अडर क्वालिटी, इसके थन की बनावट और पूरी डिटेल देते हैं। बाबूजी इसका दूध निकला हुआ नहीं है क्या? क्यों इसका दूध गिर जाए? इसका दूध नहीं निकला है? नहीं, अभी इसमें दूध भरा हुआ है। ओ अबे आज उतारे ना, इसलिए लगता है। पारो लग गई हो? पारो लग गया। हाँ। ये सुबह का दूध रुका हुआ है। नहीं, नहीं। दो टाइम ना काट लो, सवार ना काट लो, दो टाइम निकाल के ले जाओ। भैया बोल रहे हैं दो टाइम निकाल के ले जाओ। कितना दूध है अभी?
6 लीटर अभी तैयार है। कब कब की जाने ले? 10 दिन हुआ। 10 दिन हुआ। कहाँ है पाड़ा? ये पाड़ा है, पाड़ी है, पाड़ी। ये पाड़ी है, इसके साथ पाड़ी है, पाड़ी है इसके साथ। बहुत अच्छा फायदा, अगर पाड़ी होगी तो हो सकता है 2-3 साल में वो भी भैंस बन जाए। किसको पसंद आ रही है आपको? ये शैलेन सिंह जी भाटी को पसंद आ रही है भैंस। क्या मांग कर रहे हैं संजू भैया? ₹130,000। ₹135,000 इसका, ₹135,000 मांगे। ये भी जनेल है, ये भी जनेल है, और इसका दूध निकला हुआ है। अच्छी भैंस है ये भी, साफ सुथरी बढ़िया। दो ही तीजा है, दो ही तीसरे बयान की बता रहे हैं। और ये प्रेग्नेंट है संजू भैया? कितना टाइम लगी है? 15 दिन। ये दूसरा पेट है जो हम देख रहे हैं, भैंस अच्छी है, भैंस बढ़िया। ये भैंस जम रही है, देखते हैं इसका क्या सौदा होता है, संजू भैया क्या करवाते हैं। और भैंस मालिक क्या कितना बोला इन्होंने? 31। 6-6 लीटर दूध तैयार है इसके पास। लाइव सौदा स्टार्ट हो चुका है। अरे कोसाएगी यार, भैंस छोटी है ना, बड़ी थोड़ी है। छोटा भाव है, छोटा है ना, तो दूध कहाँ उसमें? 6 लीटर तो बता रहे आप। ये तो 20 लीटर 8 लीटर दूध करेगी, जना बात से कोई बात लागे करेगी, पर 20-25 दूध करेगी यार। अब क्या कहते हैं कब करेंगे? देना भाई यार, अजी मेल नहीं बिका, मेल बिकना पहला कर देती दूध उसी से। दो आप 3-4 हजार आप दे, ठोक दो 95। अब इससे आगे नहीं बढ़ेंगे आप। ये प्रेग्नेंट भैंस और देख रहे हैं हम, वो उधर सौदा नहीं बना है, तो ये भी अच्छी है। दुजोट झोटी है संजू भैया, दुजोटी है ना, ये बाहर निकाल के देखते हैं भैंस को। अच्छी है, हाइट भी मीडियम से ऊपर है, फुल हाइट तो नहीं बोलेंगे। और चाल वाल देख ले आप, साफ सुथरी भैंस। क्या मांग कर रहे हैं इसके? 1,40,000। ये मध्य प्रदेश का रेट है। अब देखते हैं संजू भैया क्या करते हैं। लेवाना के ना मारा वाला मंगो भैया। क्या लगाया? करो खत्म भैया, इतना टाइम नहीं है यार हमारे पास। हाँ आप वो ठीक है, हाँ ना कहीं जाते हूँ ना, 30,000 रुपये लेवाना है। क्या इच्छा उसकी? 30 लेवाना है, 29 में नहीं देते। 31 फाइनल। ये सौदा भी कैंसिल हो चुका है दोस्तों। वो भैंस तो हमें नहीं जमी, एक फुल हाइट में आप भैंस देख रहे हैं, बड़ी हाइट की जो हम पास से देखते हैं। बहुत बढ़िया हाइट में, करीब हाइट देखिए आप भैया की, सिर के आसपास की हाइट की भैंस है। संजीव भैया सामने खड़े हुए हैं, अगर मैं पास जाता हूँ तो देखिए आप हाइट, करीब करीब 4.5-5 फीट के ऊपर जा रही है। मेरी हाइट 6 फीट है और ये 5 फीट की भैंस माने आप, तो भैया कब कितनी देर है इसमें? 10 दिन का देगी। 10 दिन कच्ची है, 10 दिन कच्ची है भैंस। और कीमत क्या कर रहे हो? दो ऐसे
मतलब संजीव भैया 2,80,000 2,80,000 रुपए मांग रखी है। अगर हम नीचे से देखते हैं भैंस को तो देखिए आप दूध कितना दे देगी भैया? दूध 13 लीटर 13 लीटर। आप कहाँ से लाए? घर की है। घर की है। पिछली बार कितना दिया दूध? 10 लीटर पहला वेतर। पहला वेतर ये दूसरा है? दूसरा है। 6 दांत है। दोनों साइड है बिजली? दोनों साइड दिखा देते हैं आपको। दोनों साइड है। बहुत बढ़िया हाइट। तो दोस्तों हमने 1,50,000 रुपए जो बाबूजी ने लगा दिए हैं पंडित जी ने, और 1,50,000 से ऊपर की इच्छा नहीं है, और भैया बोल रहे 2,10,000 रुपए लग चुके हैं तो सौदा नहीं बैठ पाएगा। तो दोस्तों इस फार्म से एक भी डील नहीं हुई है, थोड़ी महंगी भैंस थी इस कारण से अगली जगह चलते हैं हम।